लेट्स कंटिन्यू विद द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल्स के अंदर देखो क्या कर रहे थे अभी तक जो किया है हमने। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था पॉइंट एंड सर्कल। तो पॉइंट से दो जो टेंजेंट बनेगी उसके रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी की थी। ठीक है चलो, तो अभी है टू सर्कल्स। टू सर्कल्स का क्या क्या जाएगा केस आपस में। ठीक है, देखिए देखो, या तो वो एक दूसरे को ना टच करेंगे ना कट करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इट्स लाइक सर्कल वन एंड सर्कल टू, दिस इज केस वन। केस टू, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक, केस थ्री, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। केस फोर, इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक, एंड केस फाइव, वो एक सर्कल है वो दूसरे के अंदर ही आ रहा है। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, पहले तो हमें कंडीशन निकालनी है कि अगर दो सर्कल देख रहे हैं दे रखे हैं तो इन पांचों में से कौन सा केस बनेगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर टेंजेंट्स कैसे बनेंगे, फिर कॉमन टेंजेंट वगैरह कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, अज्यूम करो सर्कल वन और सर्कल टू गिवन है। ठीक है, दीज टू सर्कल सी वन एंड सी टू आर गिवन। इसका मतलब क्या है कि हमें सेंटर्स एंड उनके रेडियस ये दोनों गिवन है। सर्कल गिवन होने का मतलब क्या है कि उनका सेंटर और उनका रेडियस गिवन है। ठीक है चलो, अब देखो जनाब, मैंने इनके सेंटर को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी। ठीक है, तो इनके सेंटर को हम सी वन सी टू लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर सेंटर सी वन सी टू लेंथ है, ठीक ये लेंथ है, तो क्लियरली चेक करो, दिस विल बी आर वन एंड दिस विल बी आर टू। ठीक, इस केस में क्या जा रहा है हमारा, सी वन सी टू इज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू। ठीक है ना, क्या चीज गई, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू। देखो ये कंडीशन जो है ना एक्चुअली में इधर से समझ में आएगी। ठीक है, देखो ये वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर मैंने सी वन सी टू को ज्वाइन किया तो इधर ये आर वन आ रहा है, ये आर टू आ रहा है। ठीक, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस, राइट। यहां पे क्या जा रहा है, सी वन सी टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो इन दिस केस क्या करेगा, सर्कल्स टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पर एक सर्कल को पकड़ के थोड़ा दूर लेके गया, यहां ले गया, इससे क्या होगा कि सी वन सी टू बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन आर वन और आर टू तो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जब ये कंडीशन, ये वाला पोजीशन बन जाएगी तो इन दैट केस ये वाली चीज बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगी मतलब सी वन सी टू जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस बन जाए। कहने का मतलब ये है कि इस केस में क्या रहेगा, सी वन सी टू डिस्टेंस जो है वो आर वन प्लस आर टू से ज्यादा रहेगा। क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो आर वन ये जा रहा है, आर टू ये जा रहा है, राइट, और सी वन सी टू ये लेंथ जा रही है। ऑब्वियसली आर वन प्लस आर टू करूंगा, ये लेंथ भी अगर मैं ऐड करूंगा तो जाके वो सी वन सी टू के बराबर रहेगा, क्योंकि मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सी वन सी टू जो है वो आर वन प्लस आर टू से बड़ा रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर हुआ, कृतिश, उदय, आर्यन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजिशन पर लाते हैं। ठीक, ये अच्छा, ये सोचो कि अब अगर मैं इसको पकड़ के सर्कल को अंदर लाऊंगा, राइट, सर्कल को पकड़ के अंदर लाऊंगा, तो क्या केस बन जाएगा, अब ये वाला केस बन जाएगा।
इसमें क्या होगा, देखो जब मैं अंदर ला रहा हूं तो R1 और R2 तो उतना है, लेकिन C1 C2 कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो C1 C2 कम हो जाएगा। तो C1 C2 के कम होने का मतलब क्या है कि ये बन जाएगा हमारा इस केस में C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। इस केस में ये चीज, ये C1, ये C2, ये R1, ये R2, ठीक है, ये R1 R2, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए R1 प्लस R2 जो है वो ग्रेटर देन C1 C2। ठीक है, अब देखो ये वाले केस में, इस वाले केस के अंदर ठीक क्या चीज जाएगी, ध्यान से देखना। C1, ये C2, ठीक है, ये R1, ये R2, ठीक। तो C1 C2 जो जा रहा है, दिस इज C1 C2, C1 C2 क्या जा रहा है तुम्हारा, दैट इज जो कंप्लीट R1 है उसमें से मैंने ये R2 हटा दिया, तो जाके मेरे पास क्या बचेगा, तो जाके मेरे पास ये C1 C2 बचेगा। तो C1 C2 क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2, लेकिन कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो नहीं पता, तो डिफरेंस ऑफ द रेडियस, तो ये बन जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या जाएगा, डिफरेंस ऑफ द रेडियस। अच्छा आप ध्यान से एक चीज समझना कि अगर ये दो केसेस मैं लेके जा रहा हूँ, इंटरनली टच करने वाले, एक्सटर्नली टच करने वाले, तो इसका क्या केस जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड इसका क्या केस जाएगा, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। अब क्या होगा कि इस सर्कल को थोड़ा सा अंदर लाओ एंड इस सर्कल को थोड़ा सा बाहर लाओ, तो जाके हमारा केस बनेगा ये वाला, ठीक है, तब जाके हमारा ये वाला केस बनेगा, ठीक है। इस सर्कल को थोड़ा सा अंदर लाना, इस सर्कल को थोड़ा सा बाहर लाना, यानी कि इस सर्कल को थोड़ा अंदर लाने का मतलब क्या है, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 हो जाएगा, एंड इस केस में C1 C2 बढ़ जाएगा, तो C1, ये सॉरी, इस केस में क्या जाएगा, इज इक्वल टू R1 माइनस R2, है ना। तो इस केस में जब मैं इसको सर्कल को बाहर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, C1 C2 बढ़ जाएगा, तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड हो जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा बनेगा ये वाला केस, ठीक है, यानी कि C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 तो होना चाहिए, बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड होना चाहिए, यानी कि इस केस में हमारा क्या बनेगा, ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड भी आएगा। दिस इज द कंप्लीट कंडीशन फॉर सर्कल्स टू इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, ये एक्सटर्नली टच करने का, ये इंटरनली टच करने का, ये सॉरी एक्सटर्नली टच करने का, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने का, एंड ये इंटरनली टच करने का कंडीशन है, ठीक। अच्छा अब सोचो कि इसी के अंदर से अगर मैं इस सर्कल को, अंदर वाले सर्कल को और पास ले आऊं, उससे क्या होगा, C1 C2 और कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मोड बन जाएगा, तो इन दैट केस बनेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला केस बन जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे केसेस जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना आप दोबारा, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, एंड ये वाला केस, पांच केसेस आ रहे। तो इसका क्या केस है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका क्या केस है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मोड, ये इन दोनों के बीच है। तो इससे जब तुम इधर इधर जाओगे तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, C1 C2 बढ़ जाएगा, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1, सॉरी लेस, कम हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, C1 C2 जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। लेकिन जब इससे सर्कल थोड़ा सा बाहर लेके जाओगे, राइट, इससे सर्कल थोड़ा सा बाहर लेके जाओगे, तो C1 C2 जो है वो बढ़ जाएगा, तो C1 C2 ग्रेटर देन होगा R1 माइनस R2 का मोड। इसका ये कंडीशन जाएगा, इसका ये जाएगा, इसका ये जाएगा, और इस केस में क्या होगा, C1 C2 और कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मोड, एंड इस केस में C1 C2 बढ़ जाएगा, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इस तरीके से ये पांच की पांच कंडीशन वाली है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो सर्कल्स की दो इक्वेशन अगर दे रखे हैं तो उनकी आपस में पोजीशन रिलेटिव क्या रहेगी वो चीज़ पता चल जाएगी। दूसरा देखो, अगर सर्कल ये वाला है तो इस केस में एक्चुअली में टोटल बनेगी चार टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स की अब मैं बात करूंगी, एक दो, ठीक, एंड फिर बनेंगी हमारी तीन चार,
है। तो इस केस के अंदर नंबर, अब क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, इस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बन रही है, फोर कॉमन टेंजेंट्स, ठीक। अच्छा अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये वाली दोनों को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक, एंड ये जो दोनों हैं इन दोनों को बोलते हैं, दोनों ग्रीन वाले, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, ठीक, देखो एक बन रही है ऐसे, तो इस टेंजेंट के सेम साइड सर्कल लाई कर रहा है, दोनों के साइड नीचे लाई कर रहा है, राइट। कहने का मतलब इफ सेंटर्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट देन वो होता है डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की होती है ऐसी, इस केस में क्या हो रहा है, एक सेंटर इधर सर्कल लाइन के, दूसरा सेंटर इधर है, तो सेंटर्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड, सो इफ सेंटर्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट तो उसको बोलते हैं टीसीटी, वो बन जाएगी हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में दो डीसीटी बनती है, दो टीसीटी बनती है, तो टोटल बन गई हमारी चार कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये दो सर्कल थे, ठीक, ये दो बनी हमारी टीसीटी, अब ये सर्कल को थोड़ा सा पास लाया तो टेंजेंट ऐसी बन जाएंगी, थोड़ा और पास लाया, ठीक, तो ये दोनों टेंजेंट ऐसे बन जाएंगी, थोड़ा और पास लाया तो दोनों टेंजेंट मर्ज होके एक सिंगल टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो इन दिस केस, नेक्स्ट केस अब हमारा क्या आ रहा है, कि जिस केस के अंदर सर्कल एक्सटर्नली टच कर, तो जब टच करेंगे तो तीन टेंजेंट बनेंगी हमारी, कैसे, एक ये एंड एक ये, अगेन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स थ्री कॉमन टेंजेंट्स, जिसके अंदर से दो डीसीटी हैं एंड दिस इज टीसीटी, ये टीसीटी थी, ये दो टीसीटी थी जो मर्ज कर गई, तो ये दोनों टीसीटी मर्ज कर जाती हैं तो जाके वो सिंगल टीसीटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। और ये केस कौन सा है, जब एक्सटर्नल टच करता है तो सी वन सी टू जो होगा वो आर वन प्लस आर टू के बराबर है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तीन कॉमन टेंजेंट बन गई, ठीक। देन नेक्स्ट इज, अब अगर थोड़ा सा सर्कल अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इस केस में एक ये कॉमन टेंजेंट, एक ये कॉमन टेंजेंट, तो टू कॉमन टेंजेंट्स एंड दोनों को क्या बोलते हैं, टू डीसीटी एंड जीरो टीसीटी, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, ये वाली जो टेंजेंट है ये खत्म हो जाएगी, ये वाली जो टेंजेंट है ये खत्म हो जाएगी, अब सिर्फ कौन सी बचेगी, अब सिर्फ ये वाली बचेगी डीसीटी, ठीक है, जिनका सर्कल का सेंटर्स जो है वो सेम साइड रहेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन इसके अंदर एक नई चीज आ गई, ठीक, कौन सी, ये, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, ठीक है। जब दो सर्कल दो पॉइंट पे टकराते हैं तो उन दोनों को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी, देखो ये कॉर्ड जो है ये इस सर्कल की भी है, ये इस सर्कल की भी है, यानी कि ये दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है, इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो इसका काम, अब हमारा काम क्या है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी निकालना, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट जा रहा है, ठीक, कि सर्कल अगर इंटरनली टच करें, तो देखो ऐसे थे सर्कल तो दो बनी टेंजेंट, थोड़ा सर्कल और अंदर आया तो ये दोनों टेंजेंट ऐसे हो गई, और अंदर आया तो टेंजेंट ऐसे हो गई, तो जब इंटरनली टच करेगा तो एक दोनों टेंजेंट डीसीटी जो है वो भी मर्ज कर देंगे, ठीक। तो यानी कि इंटरनली टच करने के केस में, राइट, इस तरीके से जाएंगे, ठीक। तो वन कॉमन
टेंजेंट, इस केस में वन कॉमन टेंजेंट बन गई, और ये क्या है डी सी टी, वन डी सी टी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थे मेरे पास वो दोनों मर्ज करके, ठीक है, ये बन गई। इस केस में कोई कॉमन कोड वगैरह कुछ नहीं बनता, ठीक है। एंड लास्ट केस जो है हमारा, इस केस में नो कॉमन टेंजेंट, इस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनती, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे केसेस गए, ठीक है। फोर कॉमन टेंजेंट, ठीक, 3, 2, 1, 0, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कॉमन टेंजेंट्स है जो जा सकती हैं, ठीक, वो कितनी है, वो 8 है, सॉरी वो 4 है। एंड मिनिमम कॉमन टेंजेंट्स जो जा सकती हैं, ठीक, वो क्या है, वो 0 है, ठीक। अच्छा, ये सर्कल अंदर जाके चाहे कंसेंट्रिक सर्कल बन जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर कहीं पर भी हो जाए, फिर कंप्लीटली अंदर होना चाहिए, तो जाके उसकी बनेगी टोटल 0 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। चलो चलो ये केस तो हो गया अभी हमारा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, क्वेश्चन इज, एग्जामिन द टू सर्कल्स, ठीक है, एग्जामिन द टू सर्कल्स। पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पांचों केसेस में से कौन क्या आ रहे हैं, एंड फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, फाइंड कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक, एक सर्कल पहला, ठीक, ये सी वन ले लो, ये सी टू ले लो, तो इसका सेंटर क्या जा रहा है, 1, 2, ठीक। अच्छा, इसका रेडियस क्या जा रहा है, 1² + 2² अंडर द रूट, ठीक, क्योंकि माइनस सी तो है ही नहीं इसका, तो इसका रेडियस जा रहा है 2/5, ठीक। अब ध्यान से देखना, दूसरा वाला जो सर्कल है, ठीक, ये सर्कल, इसका सेंटर क्या जा रहा है तुम्हारा, 0, वाई एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो वाई वाली टर्म का कोएफिशिएंट माइनस हाफ करके जाएगा 0.4। अच्छा, रेडियस कितना जा रहा है, 0² + 4² माइनस माइनस प्लस 4 अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा √20, ठीक, दैट इज 2√5, ठीक। अच्छा, अब हमने निकाला सी वन सी टू, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाला, तो सी वन सी टू डिस्टेंस क्या जा रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपस का डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा, 1 - 0² ये सी वन सी टू अंडर द रूट ऑफ, प्लस 2 - 4² अंडर द रूट, तो कितना आ रहा है, दैट इज 1 + 2² 4 अंडर द रूट, तो दैट इज √5, ठीक। तो ये मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो सी वन सी टू है वो R1 - R2 का मोड जा रहा है, तो √5 - 2√5, तो √5 आ जाएगा, वो सी वन सी टू बन गया, तो डिफरेंस ऑफ द टू रेडियाई अगर दोनों सर्कल के डिस्टेंस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो इंटरनली टच करते हैं, यानी कि बोथ टचेस इंटरनली, ठीक है, बोथ सर्कल टचेस इंटरनली। अब अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं, राइट, तो वन कॉमन टेंजेंट रहेगी, वो कौन सी कॉमन टेंजेंट रहेगी, इस तरीके से आएगी, और ये वाली कॉमन टेंजेंट रहेगी डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से किया, क्या क्या निकालना है हमें, सी वन सी टू दोनों के सेंटर लो, उनके बीच का आपस में डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का रेडियस निकालो, एंड ट्राई टू सी की कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। इस केस में क्लियरली दिखाई दे रहा है दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है, राइट, वो जा रहा है मेरा दोनों सेंटर्स के बीच के आने वाला डिस्टेंस, तो सी वन सी टू इक्वल टू मोड ऑफ R1 - R2 का हो जाएगा। इस तरीके से बोथ टचेस इंटरनली। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सर। हाँ जी, कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर है सर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, ठीक, ये क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक। प्रूव दैट सर्कल्स x² + y² + 2ax + c² इज इक्वल टू 0 एंड x² + y² + 2by + c² इज इक्वल टू 0 टचेज ईच अदर
इंटरनली और एक्सटर्नली कोई फर्क नहीं पड़ता, टच करने चाहिए. इफ वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सी स्क्वायर, ठीक, यू हैव टू प्रूव दिस. ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना. सर ये ऊपर वाला जो एक कंसेप्ट था सर, वो एक बार समझा दो सर. मैं कराता हूँ, देखो तो टच कर रहे हैं इंटरनली एक्सटर्नली वो नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि जो एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन क्या होती है, सी वन सी टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और इंटरनली टच करने की सी वन सी टू इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू का मोड, तो ये दोनों सॉट में लगा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्या चीज़ जा रही है. तो बेसिकली क्या चला जाएगा, सी वन सी टू इक्वल टू आर वन प्लस माइनस आर टू का मोड, ठीक है, ये चीज़ चली जाएगी. तो देखो इधर सेंटर क्या जा रहा है, पहले वाले सर्कल का, ठीक, अब ध्यान से देखो, इधर जा रहा है टू कोमा जीरो माइनस टू, सॉरी माइनस हाफ किया तो माइनस ए कोमा जीरो, इधर सर्कल टू का क्या जा रहा है, जीरो कोमा माइनस बी, इधर एडीए क्या जा रहा है, ए स्केयर माइनस सी स्केयर अंडर द रूट, इधर बी स्केयर माइनस सी स्केयर अंडर द रूट, ठीक है, ये आर वन ये आर टू, ठीक है. अब क्या चला जाएगा, इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है. अच्छा तो अब देखो, अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट वगैरह सारी की सारी तरफ आ रहे हैं, राइट, तो स्केयरिंग ही करनी बनती है और कुछ नहीं, ठीक है, तो इधर स्केयरिंग वगैरह करेंगे, ठीक है. तो ध्यान से देखो, स्केयरिंग की ये मोड था ना यहीं पे, हाँ यहीं पे स्केयरिंग कर दी, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ए स्केयर इस टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर इन टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ठीक है, ये आ गया. तो देखो जरा, ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर कटा, और ये जो टू माइनस टू सी स्केयर है इधर आके टू सी स्केयर हो गया, तो ये टू सी स्केयर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस सी स्केयर इन टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर. तो देखो ये टू टू भी कटा, फिर से स्केयरिंग कर दो, तो देखो ये प्लस माइनस जो आ रहा था ये अपने आप स्केयरिंग होके सब खत्म हो जाएगा, जी की पावर फोर दैट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस सी स्केयर इन टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, तो दैट वुड बी बी स्केयर ए स्केयर, ठीक, बी स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर सी स्केयर प्लस सी की पावर फोर, तो ये सी की पावर फोर, सी की पावर फोर कटा, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये बन गया सी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर इज ए स्केयर बी स्केयर, तो कुछ नहीं, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाय ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तो ए स्केयर सी स्केयर ए स्केयर सी स्केयर कटा, तो क्या बचा, वन बाय बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कटा, तो बचा वन बाय ए स्केयर, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर कटा, तो बचा वन बाय सी स्केयर, तो दिस इज द डन, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, एंड डन डन, ये प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर हुआ. उदय उदय क्लियर है, कृतेश आर्यन, यस सर क्लियर है, ठीक सर, अब यही था तेरा, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक ठीक, चलो अब आगे देख रहे हैं, ठीक है. कॉमन टेंजेंट वगैरह तो बन गई, ठीक है, अब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, जो केस वन था हमारा, ठीक, या केस टू था, देखो इस केस में कंसेप्ट इज लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जैसे ये वाला केस था, इस केस में मैं सिर्फ अभी एक ही के बना के जा रहा हूँ, डीसीटी, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं, सर्कल को थोड़ा नीचे कर सकते हैं, टच, बिल्कुल, तो ये डीसीटी बन गई, ठीक. अब चाहे वो ये वाला सर केस हो, चाहे वो ये वाला केस हो, एक्सटर्नली टच करने वाला, तब भी दोनों
केसेस में टेंजेंट इसी तरीके से जाएगी। तो ये जो लेंथ बनेगी, दिस लेंथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जहाँ पे वो दोनों सर्कल को टच करती है उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उस केस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, डेट केस क्या करेंगे, सी वन सी टू। अब हमें मालूम है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे एंगल जाएगा 90 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल जाएगा 90 डिग्री। ठीक, सी वन सी टू कैसे ज्वाइन कर लिया, सेम चीज इधर बनेगी। ठीक है, सेम चीज इधर बनेगी, यहाँ पे 90 डिग्री जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री जाएगा, ये सी वन सी टू, ये पी क्यू ले लो। ठीक है, ये सी वन सी टू। तो हमें अब लेंथ पी क्यू निकालनी, हमें क्या क्या गिवन है, सी वन सी टू दोनों के सेंटर्स गिवन है, उनके सी वन सी टू उनके दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, एंड आर वन गिवन है एंड आर टू गिवन है। अब देखो हमने क्या किया, ठीक, कि ये वाली लेंथ पकड़ी, ठीक, एंड इस लेंथ को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। तो जैसे इस लेंथ को नीचे शिफ्ट करेंगे, ध्यान से चेक करो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये जो अंदर आ रहा है राइट, ये ठीक, ये क्या बन जाएगा सारा का सारा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, अब हमें ये जो पी क्यू लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सेम है राइट, तो ये पी डैश ले लो। तो हमें अगर पी डैश सी टू मिल जाए तो ये हमारा काम चल जाएगा। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, ये जो है ये एक्ट करेगा हमारा दोनों सर्कल्स के बीच में आने वाली जो टी सी टी है, डी सी टी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसकी लेंथ। ठीक है, अब ये चाहिए, अब ध्यान से देखो जरा, ये डिस्टेंस आ रहा है रेडियस वन एंड ये डिस्टेंस आ रहा है रेडियस टू, ये डिस्टेंस आ रहा है रेडियस टू, ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ क्या मिलेगी, ठीक, सो दिस लेंथ विल बी नथिंग बट आर वन माइनस आर टू। हमें पता नहीं है कौन सी कौन है, तो आर वन माइनस आर टू का मोड लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाइपोटेन्यूज क्या जा रहा है, ठीक, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर, इसको डी ले लो। ठीक, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस सेवन से मैं ये निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये चीज चली जाएगी। तो यहां से पी क्यू का स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस, सॉरी उधर आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट। ठीक है, तो डी स्केयर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्केयर अंडर द रूट, दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू लेंथ। अब ये जो पी क्यू लेंथ है राइट, अब ये जो पी क्यू लेंथ है ये हमारी क्या एक्ट करेगी, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो दिस इज लेंथ ऑफ डी सी टी। ठीक है, इसका स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस जा रहा है ये, व्हेन टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। ठीक है, तो अगर दो सर्कल टच करेंगे एक्सटर्नली तो जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा इस केस में, वो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर। अब डी क्या था, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो इस केस में दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नली टच करें तो आर वन प्लस आर टू आ जाएगा, वो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर, क्योंकि वो हो रहा है डी स्क्वायर। ठीक, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक, ये चीज क्या आ जाएगी, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक, तो देखो क्या चीज बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्केयर प्लस टू आर वन आर टू माइनस आर वन स्केयर माइनस आर टू स्केयर प्लस टू आर वन आर टू। ठीक है, आर वन स्केयर आर टू स्केयर आर वन स्केयर आर टू स्केयर कटा, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ फोर आर वन आर टू, तो दैट इज ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ आर वन आर टू। सो ये चीज आ गई हमारी इन दैट केस, दिस इज स्पेशल केस। इन जनरल फॉर्मुला यही चलेगा, याद रखना, इसी का स्पेशल केस ये आया जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे, लेकिन एक्सटर्नली नहीं टच करेंगे तो इन जनरल यही वाला केस बनेगा हमारा, और इन दैट केस हमारा यही बनेगा। हाँ जी, सरब, कृतिश, उदय, क्लियर हुआ ये वाला केस, लेंथ ऑफ डीसीटी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें, आर्यन? ठीक है, अब आगे देखो जरा, फिर इसके केस में क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ डीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या जाएगी। ठीक है, इन दैट केस अगेन क्या करेंगे, वो इसी केस में बनेगा, सिर्फ जब एक्सटर्नली टच करें सर्कल तभी बनेगा टीसीटी, सॉरी एक्सटर्नली टच नहीं करें, एक दूसरे के थोड़ा दूर है, इन दैट केस ये बनेगी हमारी टीसीटी ऐसे।
अब देखो ये सर्कल का सेंटर वन, यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री बनेगा एंड ये यहाँ से 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। अच्छा अब प्लीज थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये रेडियस आर वन, ये रेडियस आर टू, ठीक है। अच्छा अब देखो कि इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब जैसे इस केस में हमने रेक्टेंगल अंदर की तरफ बनाया था, यहाँ पे हम बनाएंगे रेक्टेंगल बाहर की तरफ। कैसे किया हमने, देखो हमने सी टू से ये इसके पैरेलल लाइन लगाई, ठीक है, तो हो जाएगी ऐसे, ठीक है। एंड यहां पर हमने इस तरीके से ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया। तो अब ये लेंथ हमें निकालनी है एल, राइट, वो लेंथ यही रहेगी एल, राइट, ये डी डिस्टेंस हमने गिवन है। तो देखो अगर ये लेंथ आर टू है, एक ये लेंथ आर टू है, तो रेक्टेंगल होने के कारण ये भी आर टू जाएगा, यानी कि ये भी लेंथ बन जाएगी आर टू, यानी कि ये टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, दैट इज आर वन प्लस आर टू, ठीक। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंड ये, यहाँ पे 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहां से एल स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, जो चाहिए, एल स्क्वायर इज डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का। सर कौन सा ट्रायंगल लिया? ये बड़ा वाला जो शेड किया मैंने, ओके सर, ये वाला, इन दिस केस ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई, यस सर, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको राइट हैंड साइड ले आओ, तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर इज जी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। तो इसके बाद ये चीज क्या जाएगी, एल इज अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा बना। तो ऊपर वाले केस में क्या जा रहा था, डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो कि डी सी टी एंड टी सी टी, इसकी जो लेंथ है, ठीक, वो क्या आ जाएगी, डी स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वेयर अंडर द रूट, एंड टी सी टी की लेंथ क्या आएगी, डी स्क्वेयर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वेयर अंडर द रूट। ये इस तरीके से इन दोनों की लेंथ आ जाएगी। इसका एक स्पेशल केस बनता है जब सर्कल्स दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं, तो इन दैट केस क्या बनेगा हमारा, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ आर वन आर टू अंडर द, वो अभी हमने निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारे केसेस जाते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, हाँ जी यस सर, पक्का, ठीक। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्या चीज जा रही है, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या चीज है, अभी लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स इज इक्वल, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां से मैंने दो सर्कल्स के ऊपर, अब वो दो सर्कल कैसे भी हो सकते हैं, इंटरनली टच करें ना करें, कट करें, कुछ भी, ठीक है, इन दोनों सर्कल्स के ऊपर मैंने एक पॉइंट से टेंजेंट बनाई,
तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ जा रही है राइट, ये पी टी वन पी टी टू, तो पी टी वन इज इक्वल टू पी टी टू, देन लोकस ऑफ पी इज, ठीक है, देन लोकस ऑफ पी इज, ठीक क्या जाए। अच्छा अब ध्यान से चेक करो, लेट से ये एच कोमा के है, ठीक है ये एच कोमा के है, तो इस पॉइंट से याद करो सर्कल की अगर इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन राइट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती थी याद करो, एक पॉइंट से रूट एस वन, रूट एस वन का मतलब इस पॉइंट को उस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे तो वो सर्कल की टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। तो मान लो ये एस वन है इक्वल टू जीरो एंड ये एस टू इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट को मैंने सर्कल वन के अंदर पुट किया तो आ गया रूट ऑफ एस वन राइट, रूट एस वन आ जाएगा राइट। अब उसी पॉइंट को सर्कल टू में पुट किया तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ एस टू, तो ये दोनों बराबर कर दी मैंने। अब ध्यान से देखना क्या चीज आएगी, स्केलिंग करो तो ये आ जाएगा एस वन इक्वल टू एस टू, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज इक्वल, ठीक है। तो ये वो चीज चली गई ठीक। अब देखो जैसे दो सर्कल्स हैं ऐसे, ठीक ऐसे एक लाइन जाएगी जहां से ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये बराबर रहेगी, ठीक है ये जो लाइन है ना ये हमेशा दोनों सर्कल के बीच में से ऐसे पास करेगी, ठीक है। लेकिन इफ सर्कल्स टचेस इंटरनली, सॉरी पहले एक्सटर्नली वाला केस, ठीक तो ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ऐसे। एक्चुअली में जो कॉमन टेंजेंट है ना ये बन जाएगी, ठीक है कैसे देखो जरा, यहां से मैंने पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई वो आ जाएगी ये दोनों लेंथ बराबर रहेंगी, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से जब मैं सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाता हूँ तो दोनों टेंजेंट की लेंथ रहती बराबर। तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन रही है, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर रहेंगी। अब इसी पॉइंट से दूसरे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन रही है, एक ये और एक ये, अब ऑब्वियसली ये दोनों भी बराबर रहेंगे, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग मतलब जो इनका टीसीटी है, ठीक है टीसीटी will act as the locus of point from where length of tangent, equal length of tangents can be found, equal length of tangents can be found, that's it, ठीक है। तो टू सर्कल्स एग्जिस्ट टचेस एक्सटर्नली, तो इस केस में हमारा जो कॉमन टेंजेंट है वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हमने निकाला कि उस लोकस की इक्वेशन क्या आएगी एस वन माइनस एस टू, तो कहने का मतलब ये है कि इस ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी इक्वेशन आएगी एस वन माइनस एस टू इक्वल टू, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो जो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी ये वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बात करो ठीक है। सिमिलरली अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच करें, टू सर्कल्स टचेस इंटरनली, ठीक दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या आएगा, ये वाली टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि यहां से दोनों टेंजेंट सर्कल्स के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी ये बराबर रहेंगे। तो इन दिस केस, अच्छा बाय द वे इसको बोलते क्या है, ठीक ये जो पर्टिकुलर केस होता है इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो जो रेडिकल एक्सिस होगी और कॉमन टेंजेंट होगी वो बराबर होगी, ठीक है। टीसीटी विल एक्ट एज नथिंग बट द रेडिकल एक्सिस,
एंड इस केस में भी जो कॉमन टेंजेंट है दैट विल एक्ट एज रेडिकल एक्सिस, तो इसकी भी इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो आ जाए। एंड इन केस अगर दो सर्कल इंटरनली सॉरी ऐसे दो पॉइंट पे कट करके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्कल सी वन आ गया एंड ये सर्कल सी टू चला गया, तो इन दैट केस ये जो इनकी कॉमन कोड होती है दिस विल एक्ट एज द रेडिकल एक्सिस, यहां से किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट की लेंथ क्या जाएगी, इक्वल जाएगी, ठीक। एंड इन दिस केस इसकी भी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हमारा ये वाला केस हो चाहे हमारा ये वाला केस हो, ठीक, चाहे हमारा ये वाला केस हो चाहे हमारा ये वाला केस हो, इसकी इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो दोनों सर्कल को सबट्रैक्ट करो, इसकी इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, चारों केसेस में एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो रहेगी। तो तुम्हें इनडायरेक्टली कॉमन कॉर्ड कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिलनी शुरू होगी, ठीक है, दैट इज एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, दोनों सर्कल जब एक दूसरे को टच करें इंटरनली या कट करें तो तब भी कॉमन कॉर्ड बनेगी या कॉमन टेंजेंट बनेगी, ठीक, उसकी इक्वेशन मिलने तुम्हें शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, चलो चलो अब आगे देखते हैं जरा, ठीक। जैसे ऊपर हमने एक केस किया था, क्वेश्चन किया था ये वाला, दोनों केसेस वाला, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वगैरह ढूंढना, तो हमने देखा था कि ये टच करते हैं इंटरनली, ठीक है। अब अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, टचेस इंटरनली, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दिस केस क्या रहेगा, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको माइनस इसको कर दो या इसको माइनस इसको कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो क्या बना, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा, तो माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट वाई प्लस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन के क्या हो जाएगा, फोर वाई माइनस टू एक्स प्लस फोर दैट इज जीरो, टू कटा तो टू वाई माइनस एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, टू वाई माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन होगी जो इनके कॉमन टेंजेंट एक्ट करेगी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो जरा, तो सर्कल्स जो थे वो जा रहे थे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक। सेकेंड इज माइनस एट वाई माइनस फोर, माइनस, हाँ जी सर, जब सर्कल टच नहीं कर रहे होते तब जो वो दो बनती हैं क्या कहते हैं टेंजेंट्स, तो सर हाँ उसके लिए नहीं यूज कर सकते हम ये? नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये दो सर्कल आ गए जो एक्सटर्नली टच कर रहे थे, वही दो इक्वेशन आ गई। अब वो जो स्ट्रेट लाइन हमने निकाली है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सर्कल्स की इक्वेशन का एस वन माइनस एस टू वो निकाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ, तो वो अपने आप ही इन दोनों की कॉमन टेंजेंट बन जानी चाहिए, ठीक है। वो थी टू एक्स सॉरी टू वाई माइनस एक्स प्लस टू, टू वाई माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ध्यान से देखो ये अपने आप कॉमन टेंजेंट आ गई, ध्यान से देख लो। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ वापस, ठीक है। तो अगेन ये केसेस हमने देखे हैं। अच्छा भाई सरब, तुम ये चीज बोल रहे हो कि ये वाली इक्वेशन कैसे मिलेगी, है ना? यस सर। हाँ,
तो भाई ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये कॉन्टिंजेंट जो मिल रही है हमें, ठीक है, याद रखना ये कौन सी मिल रही है, टीसीटी मिल रही है, जिसके अंदर सर्कल के सेंटर जो होते हैं दोनों सर्कल के ऑपोजिट साइड होते हैं। इस केस में तो बस एक है, तो इसलिए ऑब्वियसली यही वाली मिलेगी, ठीक है ना। और साथ में ये भी सोचो कि ये वाली चीज से मैं दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ बना सकता हूँ क्या, ठीक है। यहां से मैं ये मतलब क्या बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट से पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ तो ये चली जाएगी, दूसरे सर्कल के ऊपर ये चली जाएगी, तो क्या बराबर हो सकती है? नहीं। तो एक्चुअली में ये सोचो कि एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो करके जो हमें टेंजेंट मिलती है वो कौन सी टेंजेंट मिलती है, ठीक है, जहां से दोनों कॉमन टेंजेंट कौन सी मिलती है, जहां से दोनों सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल रहनी चाहिए। तो इसी तरीके से बन सकते हैं, दूसरे तरीके से नहीं बन सकते, ओके सर। हाँ जी ठीक है, पक्का? सर। चलो अब आगे देखते हैं ना। अह अब कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, दूसरी वाली जो बची हुई है, ठीक है। अब दूसरी वाली कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, वही केस हमारा बचा है, फिर हमारे दो सर्कल्स का केस जो है वो टोटली ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो अज्यूम करो हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ठीक, एंड एक सर्कल है एक्स, ये देखो ये अगर रेडियस टू है इसका तो ये 2,0 जाएगा। अब मैंने रेडियस वन का सर्कल लिया तो ऑब्वियसली इसका सेंटर जाएगा 3,0, तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल हैं, तो बोल रहे हैं इनका जो डीसीटी बनेगा वो डीसीटी की इक्वेशन बताओ क्या आ जाएगी, ठीक है, बात करो तो डीसीटी की इक्वेशन बताओ क्या आ जाएगी। तो भाई डीसीटी की इक्वेशन, वैसे भी दो कर्व्स के बीच में कॉमन टेंजेंट अगर निकालें, कौन कौन सी कर्व, सर्कल 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 पैराबोला, ठीक है, सर्कल एलिप्स, सर्कल हाइपरबोला, ठीक, या फिर पैराबोला एलिप्स एलिप्स हाइपरबोला, कोई भी किसी भी केस में अगर हमें निकालनी है कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इन सबकी कॉमन टेंजेंट बन सकती है, बाय, ठीक है। कैसे, देखो जरा, अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक, एंड ये इस तरीके से लिफ्ट जा रहा है, देखो ये कॉमन टेंजेंट बनेगी, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट वगैरह एनी टाइम बन सकती है, तो वो कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक, कि अज्यूम कि टेंजेंट ऑफ कर्व वन इन जनरल फॉर्म, ठीक, पहले दोनों में से एक कर्व की जनरल फॉर्म के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, ठीक, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो लिखो, देन प्रूव इट टू बी द टेंजेंट ऑफ अदर कर्व। तो जो उसी चीज को फिर दूसरी कर्व की टेंजेंट प्रूव कर दो, तो दोनों की टेंजेंट बन गई, पहले की हम लेके जा रहे थे, दूसरी की प्रूव कर दी, अपने वो दोनों की कॉमन टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। जैसे इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, ठीक, तो मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, मेरे को दोनों में से कौन सा सर्कल है जिसकी टेंजेंट की इक्वेशन पता बहुत इजीली निकल सकती है, और वो है ये, ठीक है, ये वाला सर्कल, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली मैंने, ठीक है, एम स्लोप की इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस, रेडियस क्या इसका 2√1 + m, ठीक। अब ये इस सर्कल की भी टेंजेंट होनी चाहिए, राइट right? तो ये स्टेप वन हो गया कि मैंने सर्कल दोनों में से एक कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन ले ली इन जनरल। अब मेरे को प्रूव करना है कि ये इस सर्कल की भी टेंजेंट की इक्वेशन है। तो भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, एक सर्कल है एक लाइन है, तो एक लाइन सर्कल की टेंजेंट कब बनेगी, जब उसके सेंटर से उस लाइन के ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर हो जाए। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक, क्या चीज, फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक, फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू द सर्कल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो जो लाइन है, राइट, क्या हो जाए, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से वो रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। सो इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस। अगर ये चीज हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा।
तो इसका सेंटर क्या जा रहा है, 3.0। तो 3.0 से इस लाइन के ऊपर जो रेडियस है वो सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए, दैट इज 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर 3.0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। उसके लिए सबसे पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वाई माइनस एम एक्स प्लस माइनस 2√1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई माइनस एम एक्स प्लस माइनस 2√1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या था जा रहा था, दूसरे सर्कल का 3.0। तो 3.0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 माइनस 3m प्लस माइनस ट्वाइस √1 प्लस m स्क्वायर ओवर 1 प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट कम मॉड। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ax1 प्लस by1 प्लस c कम मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, दैट इज इक्वल टू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्ट करेगा। वही किया हमने, 3.0 को इसके अंदर पुट किया, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट m, m का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू 1 नाउ। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 1 लॉजिकली। इसको इधर लेके आए, ऊपर स्केलिंग कर दी, फिर स्केलिंग करनी पड़ेगी, वो दिखाई दे रहा है, क्या आ जाएगा, 3m प्लस माइनस माइनस 3m प्लस माइनस ट्वाइस √1 प्लस m स्क्वायर कम मॉड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट। ये मैंने बहुत एक रैंडम क्वेश्चन लिया था, तो हो सकता है यहाँ से कंडीशन अजीब बन जाए, बट अदरवाइज जो क्वेश्चन आएगा वहाँ उसका यहाँ से एम की वैल्यू इजीली निकल आएगी। ठीक है, अब जैसे देखो इस केस में क्या जा रहा है, ठीक है स्केलिंग कर दो। ठीक है, स्केलिंग करके क्या जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 3 to the 6, 6 to the 12 m under root of 1 plus m square. That is equal to 1 plus m square. ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये सारी की सारी चीजों को इधर ले आओ, तो ये बन गया 12 m under root of 1 plus m square plus minus that is equal to 1 plus m square minus 4, तो minus 3 times 1 plus m square minus 9 m square. ठीक है, तो ये आ गया minus 3 minus 3 minus 9, तो minus 12 m square. That is plus minus 12m under root of 1 plus m square. ठीक है, तो 3 कॉमन लेके कटा, तो minus 3 into 1 plus 4 m square. ठीक है, तो 3 कटा 4, तो plus minus 4m under root of 1 plus m square equal to minus of 1 plus 4 m square. Scaling कर दी, तो 16m square 1 plus m square that is equal to 1 plus 16m की power 4 plus 8 m square. ठीक है, तो ये आ गया 16 m square plus 16 m की पावर 4 that is equal to 1 plus 16 m की पावर 4 plus 8 m square. 16 m की पावर 4 कटा. ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, तो 8 m square that is equal to 1, m square is equal to 1 by 8, m is equal to plus minus 1 by 2. आ गया, यानी कि इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर m को ये मैं m प्लस माइनस 1 बाय 2 रूट 2 पुट करूंगा, प्लस माइनस 1 बाय 2 रूट 2, तो इसके अंदर से मेरे को वो इक्वेशन मिल जाएगी जो दोनों की कॉमन टेंजेंट है। तो दोनों की फाइनली कॉमन टेंजेंट क्या जा रही है, ठीक, ये इसके अंदर m को ये पुट कर दो, तो क्या जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2 रूट 2 m सॉरी x प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 बाय 8। ठीक, तो 8 इधर लिया, तो क्या चला जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x बाय 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में हमने प्लस ही लिया था। ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा ऐसे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 9 बाय 8, तो दैट इज 3 3 टू द 6 बाय 2 रूट 2। ये 2 कटेगा, चलो काटो मत, काटो मत, 2√2 एलसीएम लेके इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या बन गया, 2√2 वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 6, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो एक बार प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, प्लॉट करके क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो जरा, हाँ जी वापस यहाँ पे आ जाओ। तो पहला सर्कल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ठीक है, दूसरा सर्कल था हमारा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये दो सर्कल आ गए। अब इक्वेशन हमने क्या निकाली, टू रूट टू वाई वाई दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो एक बार प्लस ले रहे हैं, ठीक है, एक्स माइनस सॉरी प्लस सिक्स, प्लस सिक्सटी माइनस सिक्सटी माइनस एक्स, बिल्कुल ओके। एक्चुअली मैं यहाँ पे गलती हुई, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ, ठीक है, बट ध्यान से चेक करो क्या चीज़ जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों की कॉमन डिवीजन बन गई, ठीक है, ये चीज़ बन गई। एंड यहीं पे इसी के अंदर अगर मैं एक्स का क्वेश्चन चेंज कर दूंगा राइट, तो ये बन जाएगा माइनस, तो दूसरी भी टेंजेंट आ जाएगी और दूसरी टेंजेंट प्लस सिक्स से बन जाएगी, ओके ये आ जाएगी, तो ये दो टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ क्या हो रही है एक्चुअली में, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो प्लस ऑफ एक्स माइनस सिक्स एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस सिक्स आ रहा है, ठीक है। अब लेट मी चेक कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, चलो आ जाओ वापस। क्लियर हुआ ना ये चीज वैसे अभी तक, रितेश, आर्यन, सारा, उदय? यस सर। ठीक है ना, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन इस तरीके से निकालते हैं, बट इसके अंदर क्या चीज हो रही है, लेट मी चेक, चलो आ जाओ। अच्छा, तो हमने स्टार्टिंग में क्या इक्वेशन लिखे गए थे, हम ये वाली इक्वेशन लिखे गए थे, ओके ओके। एक्चुअली में स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली में प्लस माइनस दोनों होती हैं हमारे, ठीक है चलेगा, प्लस माइनस दोनों होती है चलेगा, तो प्लस माइनस अगर दोनों होती है तो प्लस माइनस से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई ना, सर। सर जब आपने डिस्टेंस ऊपर लिया था तब आपने वो प्लस माइनस कहाँ किया, मतलब डिस्टेंस और अच्छा मोड मोड था ना, मोड था, मोड था। हाँ जी सर, हाँ ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैम को यहाँ पे रखेंगे तो टोटल चार केसेस बनेंगे, चार केसेस के अंदर से दो केसेस हमें सेलेक्ट करने हैं, दो नहीं करने, दो रिजेक्ट करने, है ना। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, कल देखते हैं, ठीक है, चलो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।